सो गाइज़, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपने मेरे पहले के व्लॉग में देखा था कि हम लोग जो जिला के पास, ये जो यहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस थी और यहाँ स्नो स्की वगैरह करवा रहे थे, बोटिंग वगैरह हो रही थी। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे जो कि आइस के ऊपर बहुत सारे गेम वगैरह कर रहे थे। तो हम भी यहाँ रुक गए थे एंजॉय करने के लिए। सो गाइज़, आइए इस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। हम गाइज़ यहाँ पर पहले अपनी जैकेट वगैरह सब पहन रहे थे क्योंकि वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सर्दी तो लगेगी ऑफ कोर्स। और मौसम भी थोड़ा ऐसा होता चला जा रहा था कि जैसे बारिश आएगी। पूरा क्लाउडी था, पूरा पैक था मौसम। तो हमने अपनी जैकेट वगैरह सब निकाल ली थी, पहन ली थी। बस वो पहनकर हम हो रहे थे तैयार और फिर हम जाएंगे मस्ती करने। चले बताओ सर, बता दिया भाई। सो गाइस, हम लोग हो गए हैं तैयार स्नो राइड। वंश के पापा कर रहे थे गाइस यहाँ पे बारगेनिंग। ये लोग टूरिस्ट वगैरह से ना बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। ये लोग बोल रहे थे 1500 रुपये एक पर्सन के, तो जिसके हिसाब से हमारे हुए 4500। लेकिन हम माने नहीं, बार्गेनिंग करके लास्ट में हमें 2200 रुपये में ये लोग ऊपर लेके गए पहाड़ के। तो गाइज़, बार्गेनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको लूट लेंगे। तो कहीं भी जाओ बार्गेनिंग ज़रूर करो। सो गाइज़, हम चल पड़े हैं स्लाइडिंग करने के लिए। वंश कहाँ है? वायुरथ इसड़ा ना उसका है बर्फ की धक्का लाग सके। राम राम ता, और धीमी धीमी बारिश भी आ रही है। मौसम खराब भाग रहे हैं। इसके पापा बोल रहे हैं बर्फ भी गिर जाए तो अच्छा है, तुम लोग देख लोगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। बर्फ पे ना इतनी ज़्यादा फिसलन हो रही है, पैर फिसल रहे हैं, चला भी नहीं जा रहा है। देखो गाइज, वहाँ पे इन्होंने बोला कि 700 पर पर्सन, 700 रुपये लेंगे। एक के इस हिसाब से हुए थे हमारे 2100, और यहाँ आके फिर से ये लोग 2500 मांगने लगे। मतलब कोई जबान ही नहीं थी इन लोगों की। लेकिन फिर इसके पापा ने लास्ट में 2200 रुपये में फ़ाइनल किया, तो इस तरह हमें 2200 रुपये देने पड़े थे। देखो, यहाँ आके फिर से बार्गेनिंग करनी पड़ी, ये लोग मान ही नहीं रहे थे। पकड़ के बैठ भैया, आराम से लेके जाना, बच्चा है। पकड़ मेरा दस्ताना कर। चलो मैडम, आ जाओ आ जाओ, चलो मैडम, चलो 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 चलो। नहीं, आप जाओ, सेल्फी स्टैंड ले जाओ। भैया मैं, मुझे भी तो बिठाओगे? बाय। उसके बाद मेरा एक रह गया खाली। जा रहे वंश के पापा। चलो बैठ बैठ बैठो। भैया रुक जा ना, भैया रुक जा, अरे रुक जा, चलो बैठ जा, मैं आपको पकड़ लूं। भैया आपको पकड़ो या इसको पकड़ो। Oh,
कोर्स कोर्स मतलब हो गए कौन कौन रहेगा तो नहीं यार तू पकड़ना है भाई पूरी लाल हो गई हूँ और अभी हम बनाएंगे कुछ फोटोज लेंगे जा रहे भाई टक्सी सड़न ने बहुत पड़ गई थी वो तो देखो ये मेरा खेला और खेल लेंगे कड़ा चढ़ा के धरती है ऊपर पहाड़ है उरे तो ठीक है भाई मैं फोटो खींच लें फिर बना वीडियो यहाँ ऊपर ना गाइस ऊपर से बारिश होने लगी नीचे बर्फ पूछो मत लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें यहाँ ना 3-4 घंटे हो गए थे खेलते हुए आइस के साथ रील्स बनाते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए लेकिन ना नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था जबकि ये पहाड़ ना बिल्कुल ऐसे था एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा टाइप का था फिसलन मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था गाइस लेकिन फिर हमने सोचा कि हम आगे लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें खलसी पहुंचना था तो नीचे उतरना ही पड़ा और इसके पापा और वंश पहले जा चुके थे और अब मेरी बारी थी तो अब हम मैं जा रही हूँ उनके पास नीचे मज़ा आया गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने हाँ यहाँ से घर जाने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है मुझे ना बर्फ से ना डर लगता था मुझे लगता था कि बहुत सर्दी होगी सर्दी है लेकिन यहाँ से मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जी वो तो जहाँ जाने का जी कम कर रहा है जहाँ भी जी गाइस हम फिर से रील्स बनाने लगे हैं मेरा क्या उनका भी जाने का मन नहीं कर रहा है देखो रुको और गाइस यहाँ हमने स्टार्ट कर दी थी फिर से रील्स बनाने क्योंकि ऊपर पहाड़ पे ना 5 बजे के बाद रहने नहीं देते तो सबको ना नीचे भेज रहे थे और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था इसलिए तो सब लोग ना नीचे आके रील्स वगैरह बना रहे थे जो भी थे तो उनको देख के हमने भी फिर से स्टार्ट कर दी थी लेकिन यहाँ पे भी जिसकी ड्यूटी लगी थी ना वो बीच बीच में आकर के बर्फ़ मार रहे थे हमें और बोल रहे थे भागो यहाँ से तो ना काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखिए अभी बीच में ना जैसे हम ये सब करेंगे ना वो फिर से आ जाएगा मतलब कोई भी रील पूरी बनाने नहीं दे रहा था उससे पहले आ जा रहा था वो
लेकिन हम भी बहुत जिद्दी थे, लगे हुए थे यहाँ पे रील्स वगैरह बनाने के लिए, तो काफ़ी इन्जॉय किया। और अगर फिर से मौका मिला ना मुझे, तो मैं बर्फ़ में फिर से खेलूँगी जाते टाइम, जब हम वापस जाएंगे खालसी से। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। चल पड़े हैं गाइस हम। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। आपको भी लाइफ में अगर कभी मौका मिले ना ऐसे आइस में जाने का, तो ज़रूर आना। घूमने हमारी सबसे यही है कि आना चाहिए, घूमना चाहिए। हाँ घूमना चाहिए लाइफ में, कोशिश करो निकलने की, दो चार दिन जितना भी निकल सके। बहुत ही अच्छा लगा, अच्छी अच्छी जगह है। मुझे ना बर्फ़ में ऐसे देखकर ऐसे लगता था, क्योंकि मुझे ना सर्दी ज़्यादा लगती है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगी। और मैं बार बार इसके पापा से यही पूछ रही थी फ़ोन पे कि कितनी सर्दी है, कितनी सर्दी है। सर्दी का मौसम आते ही मुझे डर लगने लग जाता है कि आए सर्दी आ गई, सर्दी आ गई। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कभी ऐसे आइस में ऐसी नहीं खेल पाऊँगी, या ये स्नो राइडिंग ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए जब भी आपको मौका मिले ना लाइफ में, इस टाइप का एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा। और अभी प्लान कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि और जगह नहीं, गुलमर्ग और पहाड़ अपना पहलगाम में बर्फ़ नहीं है, यही मिलेगी आपको जोजिला पास क्रॉस करके सोनमर्ग से आगे। हाँ तो वहाँ जाने का भी कोई फायदा, कोई जाने नहीं का फायदा नहीं है, बस हॉर्स राइडिंग है। तो हॉर्स राइडिंग तो हमने हजारों टाइम कर कहीं भी कर लोगे। हाँ तो यही अच्छे, इसलिए हम वहाँ नहीं गए, लेकिन तो यहाँ आओगे ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट ईयर अगर प्लान गुलमर्ग वगैरह में नेक्स्ट ईयर प्लान करना, अगर वहाँ पे जल्दी करना पड़ेगा मार्च और अप्रैल। हाँ जब उसके बाद आइस नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा आ गया। और बर्फ़ पे ना चलना इतना ज़्यादा मुश्किल है, बार बार पैर फिसल रहे थे स्टार्टिंग में, तो मतलब बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा था कि हम चल पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे हमने सीखा कि ऐसे पैर को पीछे की साइड से ऐसे गड़ा के बर्फ़ में, और फिर चले, फिर तो बस। और मैं तो कितनी बार गिरी, जैसे खड़े हूँ गिर जाऊँ, कितनी बार मैं गिरी, और बहुत ही अच्छा लगा। एक बार तो मेरी ये बनाते हैं। हाँ मैं हमने रील बना रहे थे, उसमें भी मैं गिरी, ऐसे भी गिरी, मैं तो गिरती पड़ती, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बीच बीच में ना हल्की हल्की बारिश आ रही थी, है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है गाइस, यही था आज का व्लॉग, करते हैं फिर इस व्लॉग का यही एंड, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, इसी व्लॉग को करेंगे हम कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय 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 गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए बालाजी फैमिली व्लॉग। बाय।